गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, क्या मैम आवाज क्लियर आ रही है? बेटा बेटा प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, किसी का ऑडियो वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून बेटा। कल जो होमवर्क भेजा गया था आप सबने कर लिया है बेटा? कल होमवर्क तो मैंने भेजा था भाषा से रिलेटेड, वो आपने कर लिया है? बेटा प्लीज सभी अपने वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कीजिए। बेटा बहुत अच्छा किया सभी, बेटा आपने अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा भी था होमवर्क करने के बाद, अच्छा किया बच्चों ने, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा वर्क किया आप लोगों ने। इसी तरीके से डेली का होमवर्क किया कीजिए। मैं मुझे पूछिए। हाँ बेटा, हाँ पूछेंगे आपसे, पूछेंगे भी और आगे आज मैं अभी पढ़ाऊंगी भी। हाँ बिल्कुल, अभी पूछूंगी, पहले पूछूंगी फिर आगे का पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैं मुझसे पहले से बात कीजिए। हाँ मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ आदित्य गुप्ता, गौरव कुमार, मुझे इसके लिए सबमिशन करना पड़ेगा। गौरव कुमार, गौरव बेटा अनम्यूट करो मैं आपको। यस मैम। बताइए भाषा किसे कहते हैं? गौरव बेटा बताओ भाषा किसे कहते हैं? बोलते हैं वो उसको कहते हैं। साधारण बोलचाल को भी हम भाषा कहते हैं, या फिर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं। ओके नेक्स्ट। ओके मैम। सार्थक, सार्थक बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। बेटा राजस्थान की बोली कौन सी है, राजस्थान की भाषा कौन सी है? हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो बेटा, जोर से बोलो, कोशिश करो बेटा। नहीं पता? राजस्थान, राजस्थान की। हाँ राजस्थान की। सार्थक बेटा आपसे पूछ रही हूँ, बताइए राजस्थानी। बोलो बेटा, सार्थक बेटा कुछ तो बोलो, कोशिश करो, कुछ भी बोलो, आप चुप मत रहो, जो आपको पता है वो बोलो। राजस्थानी, राजस्थानी बिल्कुल सही है, पर ये आंसर सार्थक ने नहीं दिया है। आर्या, आर्या सिंह बेटा अनम्यूट कीजिए। हाँ आप बताइए बंगाल की भाषा कौन सी है? बंगाली, बांग्ला, ठीक है बंगाली ठीक है, पर आप इसे क्या बोलेंगे? बांग्ला बोलेंगे। ओके नेक्स्ट। यस मैम। सानवी, सानवी बेटा अनम्यूट कीजिए। यस मैम। बताइए भाषा कितने प्रकार की होती है? मैम दो प्रकार की। दो प्रकार की, कौन कौन सी? मैम मौखिक और बोली लिखित। हाँ मौखिक भाषा और लिखित भाषा, वेरी गुड। नेक्स्ट आराध्या, आराध्या बेटा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो अपनी तरफ से। हाँ बेटा आप बताइए मौखिक भाषा किसे कहते हैं? ये मौखिक भाषा क्या होती है? मैम जिसे हम बोल के कहते हैं। हाँ जब हम बोल कर अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। ओके बेटा। आदित्य गुप्ता, आदित्य गुप्ता
बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करो बेटा अपनी तरफ से, अपने फोन में से देखो, अपने फोन में से अनम्यूट करो। आदित्य गुप्ता, पलक यादव, पलक यादव, दिव्यांशु, दिव्यांशु बेटा सुन रहे हो मुझे, अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। नहीं सुन रहे बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरी। प्रियांशु, प्रियांशु बेटा अनम्यूट कीजिए। क्या बात है बेटा आप लोग ऐसे? हाँ दिव्यांशु ठीक है, बोलो बेटा आप बताइए लिखित भाषा कौन सी होती है। सादिक, सादिक, अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ बच्चों की तरह से भी प्रॉब्लम आ रही है। अथर्व, हाँ बेटा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो बेटा, वेरी गुड, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ अथर्व बेटा आप बताओ लिखित भाषा, फिर म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट करो बेटा अपने फोन में, देखो अपने फोन से। हाँ आप बताइए लिखित भाषा कौन सी होती है, बताइए, बोलो बच्चे। अथर्व, जो हम लिख के प्रयोग करते उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या बोले हो, क्या बोले, दोबारा बोलना मैम। लिख के जो बात, हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो बेटा। लिख की बात, लिख के जो बात प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। वेरी गुड। हाँ बेटा प्रियांशु अनम्यूट करो, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। प्रियांशु बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। करो बेटा। रुद्र, रुद्र बेटा अनम्यूट कीजिए। रुद्र बेटा, रुद्र बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा आप बताइए भाषा किसे कहते हैं। बोलिए मैम। क्या मैम आवाज नहीं सुना जाए? मैम आवाज नहीं सुनाई दे। किसे नहीं सुनाई दे रही मेरी आवाज? सब बच्चों को नहीं सुनाई दे रही? रुद्र, रुद्र की तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब जो है आगे का हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें अपना टाइम भी देखना है ना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है सबके तक? सब बच्चों की तो आवाज नहीं आई। कल बाकी बच्चे जो रह गए हैं सबको मौका कल मिलेगा। अभी बेटा मैं आपको आज पढ़ाऊंगी लिंग। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। क्या बोला जाता है लिंग को? जेंडर। ओके बेटा, तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। यस मैम। ओके बेटा, देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, आपके बर्थडे में आपके रिलेटिव इकट्ठे होते हैं, चाहे आपके नाना हो, नानी हो, मामा हो, मामी हो, ठीक है, चाचा चाची सभी लोग इकट्ठे होते हैं। देखिए कौन कौन आपके बर्थडे में सब इकट्ठे होते हैं? आपके नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, आपके मम्मी और पापा भी होते हैं, है ना, मम्मी पापा,
भाई बहन भी रहते हैं आपके बर्थडे में, ठीक है, बहन और भाई। पापा और मम्मी, भाई और बहन। अब इन सब में बेटा कुछ बच्चों के वीडियो बंद आने लगे हैं, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए अपनी तरफ से। आराध्या बेटा आवाज आ रही है? पलक और आराध्या बेटा मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है बेटा, बोलिए। बेटा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए जरा। बोलो। यस मैम, आ रही है। आ रही है सबको, आ रही है ना आवाज? यस मैम। ठीक है, यस मैम। बस बस अब बोलना नहीं है, बोलना नहीं, केवल ध्यान से सुनेंगे, जब मैं आपसे कुछ पूछूंगी तभी आप बोलेंगे, ओके? तो देखिए बेटा, हम मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपका बर्थडे होता है या कोई शादी होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें आपके नाना नानी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भैया भाभी सभी लोग सम्मिलित होते हैं, यहाँ तक कि आप भी होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो वर्ड मैंने यूज किया, नाना, चाचा, मामा, पापा, भाई, ये सब कौन है? ये सब पुरुष जाति का पुलिंग है। ये सब क्या है? पुलिंग, पुलिंग है। पुलिंग। और वही नानी, चाची, मामी, मम्मी, बहन, ये सब कौन हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। ये सब आपके क्या है? पुलिंग, पुलिंग, पुलिंग। और इधर ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, मतलब ये नाना, चाचा, मामा, पापा, भाई, ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पुलिंग हो गया, यही नानी, चाची, मामी, मम्मी, बहन स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है बेटा, मैम। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करता है वो पुलिंग हो जाता है, जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो सीधे तौर पे अगर हम, हाँ बेटा, एक वचन और बहुवचन का मतलब क्या होता है बेटा? एक वचन और बहुवचन, जैसे एक चीज का अनेक बनाना, कोई एक चीज है तो जब अकेली है तो वो एक वचन में यूज की जाती है, वही चीज जब कई सारी हो जाती है तो अनेक हो जाती है तो बहुवचन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं लिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा? तो देखिए अब सीधे तौर पर ये मैंने आपको बताया, अब सीधे तौर पर हम देखें तो लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग की परिभाषा, सबसे पहले हमने जो संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा में क्या पढ़ा था? हाँ बेटा, हाँ बोलिए। अभी इसे नहीं लिखना है बेटा, मैं आपको अलग से भेजूंगी बेटा, आपको कुछ नहीं लिखना है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि संज्ञा, संज्ञा क्या है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में क्या आ जाता है? पर्सन नेम आ जाता है, प्लेस नेम आ जाता है ना? ठीक है, अब संज्ञा, संज्ञा के बाद आपको आज मैं पढ़ा रही हूँ लिंग पढ़ा रही हूँ। संज्ञा तो हमने नेम से रिलेटेड ले लिया, अब लिंग जो है उन नामों को पुरुष या स्त्री जाति में, जब पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो जाता है उन नामों से, यानी संज्ञा के जिस रूप से, जिस रूप से उससे स्त्री जाति के होने या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। एक बार मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। परिभाषा,
संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो का बोध हो हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार आप सब लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आराध्या खरवार, आराध्या नाम से ही पता चल रहा है कि वो कौन है? एक लड़की है, लड़की है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। ठीक वहीं अगर मैंने कहा गौरव शब्द पुलिंग का बोध कराता है, पुलिंग का बोध कराता है ना। गौरव एक लड़का है। अब गौरव एक लड़का, उसे स्त्रीलिंग तो नहीं कहेंगे ना। गौरव लड़का है तो वो पुलिंग में चला जाएगा, पुरुष जाति का बोध करा रहा है वो। ठीक है। इसी प्रकार से किसी और का भी नेम ले लीजिए, जैसे मोहन। अब मैंने कहा मोहन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं, इसका आंसर आप लोग देंगे। अगर मैंने लिखा कि मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, अब यहाँ जो मोहन है खेल रहा है, तो मोहन जो है किस जाति का बोध करा रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल सही। ये क्या हो गया? पुलिंग। पुलिंग। फिर अगर मैंने नेक्स्ट मैंने लिखा कि राधा नृत्य कर रही है, राधा नृत्य कर रही है। राधा यहाँ पर कौन सी जाति का बोध करा रही है? स्त्री जाति का बोध। तो कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग। हाँ बेटा। हाँ हाँ बेटा। हम जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण से ही हमें उसका बोध हो जाता है। देखिए, अब पुलिंग और स्त्रीलिंग, आपने कहा पुलिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, ये आपने सबने अच्छे से समझ लिया, आपने इसका सही आंसर भी दिया। अब तक आपने परिभाषा पढ़ी लिंग की। इसके बाद लिंग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? अभी आपको मैंने बताया भी है लिंग कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। यहाँ मैंने कहा था ना, प्रकार भी बोल सकते हो, भेद भी बोल सकते हो, है ना, या रूप भी बोल सकते हो। लिंग के प्रकार भी बोल सके हो, लिंग भी और सॉरी
नहीं बेटा एक मिनट ध्यान से सुनो, लिंग के प्रकार भी बोल सकते हो, लिंग के भेद भी बोल सकते हो, लिंग के रूप भी बोल सकते हो, ठीक है? तो पहला इसमें क्या है, लिंग के प्रकार कितने हैं? दो, पुलिंग और स्त्रीलिंग, दो प्रकार है ना, पुलिंग और स्त्रीलिंग, पुलिंग और ये स्त्रीलिंग, ठीक है? अब पुलिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है तो उसे हम पुलिंग कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहचान करवाई थी ना कि मोहन खेल रहा है, तो वहां आपको किसका बोध हो रहा था, मोहन नाम से किसका बोध हो रहा था, पुरुष जाति का, तो वहां क्या कौन सा लिंग था, पुलिंग था। वही शब्द, जिस शब्द से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था अभी इससे पहले कि राधा नृत्य कर रही है, तो उसमें राधा जो है किस जाति का बोध करा रही थी, स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का, तो वहां कौन सा लिंग हो गया, स्त्रीलिंग। अब मैं ऐसे आपको, हाँ देखिए बेटा, अब इसके साथ साथ एक चीज और सुनिए आप मेरी बात, एक चीज और सीख लीजिए कि केवल सजीव चीजों में ही, सजीव यानी सजीव वो चीजें बोली जाती हैं जो चल फिर सकती हैं, जो सांस ले सकती हैं, अपना कार्य कर सकती हैं। निर्जीव चीजें वो होती हैं, ध्यान से सुनिए, निर्जीव चीजें वो होती हैं जो चल फिर नहीं सकती, अपना काम स्वयं नहीं कर सकती, जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है? सजीव और निर्जीव का अंतर पता चल गया, सजीव, ओके, हाँ। तो सजीव चीजों के साथ साथ जो निर्जीव चीजें हैं उनमें भी लिंग भेद होता है, उनमें भी लिंग भेद होता है। आप कहोगे कैसे, कैसे? आप जैसे बाल्टी है, अब आप बाल्टी को कहूंगी, मैं बाल्टी कहूंगी बाल्टी स्त्रीलिंग है, तो आप कहोगे कैसे मैम, बाल्टी स्त्रीलिंग कैसे? अब उच्चारण कीजिए कि बाल्टी बाथरूम में रखी हुई है, रखी हुई है, रखी हुई है, रखा हुआ है, ये तो नहीं बोला ना हमने, हमने क्या बोला, बाल्टी बाथरूम में रखी हुई है, तो यानी वो किसका बोध करा रही है, स्त्रीलिंग का, स्त्री जाति का, तो स्त्रीलिंग, हाँ ठीक। इसी प्रकार से मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ और उसके जरिए मैं आपको, मैं फिर इसका भेद आपको बताती हूँ कि पुलिंग और स्त्रीलिंग में सजीव और निर्जीव चीजों में भी कैसे भेद हो जाता है, उनमें कैसे पता चलता है कि उसमें भी सजीव और निर्जीव चीज होती है, वही उसमें सजीव में भी होती है और निर्जीव में भी, दोनों में ही लिंग भेद कैसे हो जाता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा आदमी, सुनार, जूता, आवाज इज नॉट कमिंग, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही बेटा, घोड़ा, मैम आ रही है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट है माँ, माँ, बिल्ली और सुराही, ठीक है बेटा। अब इनमें से आप मुझे एक चीज बताओ, आदमी सजीव है या निर्जीव है, सजीव है, और ये आदमी जो है कौन सी जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का, कौन सी जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का, ठीक है। ये सुनार जो है ये भी कौन सी जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का, है ना, जूता, जूता, जूता जो है ये निर्जीव है, जूता सजीव
नेटिव नहीं है, ये नेटिव है, पर इसमें भी लिंग भेद है ना, है ना। जूता जो है बेटा, आपकी आपकी तरफ से आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है बेटा, जूता, घोड़ा, ये सब क्या है, ये पुलिंग है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये सारे किसका बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का। तो ये सब क्या है, ये पुलिंग है, पुलिंग। वही गाय, माँ, बिल्ली, ये तीनों ही सजीव हैं, और यहाँ सुराही जो है निर्जीव है, पर सुराही निर्जीव होते हुए भी जाति का बोध करा रही है। यहाँ पर गाय, माँ, बिल्ली, सुराही, ये सब स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है ये सारी चीजें। अब मैं कुछ वाक्य लिखने जा रही हूँ, उसके आधार पर आप लोग मुझे बताएंगे कि उसमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु पुलिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, पहला है बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है। बेटा बालक पढ़ रहा है, यहाँ बालक जो है वो क्या बोध करा रहा है, किस जाति का बोध करा रहा है? मैं पुरुष जाति का। हाँ, क्यों? बिल्कुल पढ़ रहा है, रहा है, रहा है ना, तो ये क्या है, बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ बालक जो है पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या है? हाँ, उसी प्रकार से छात्रा खेल रही है, छात्रा खेल रही है, छात्रा क्या कर रही है, छात्रा खेल रही है। अब यहाँ पर छात्रा जो है ये किस जाति का बोध करा रही है, खेलने का। कौन सी जाति का बोध करा रही है, स्त्री जाति का। हाँ, स्त्रीलिंग होगा बेटा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि छात्रा जो है स्त्री जाति का बोध करा रही है। अब अगला देखिए, रेखा, रेखा झूला, झूल रही है। अब रेखा बताइए बेटा, रेखा स्त्रीलिंग है पुलिंग है? स्त्रीलिंग है, वेरी गुड। हाँ, कुछ शब्द आज जो है पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाना वो सीखेंगे हम। Thank you.
मामा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ा का मैम घोड़ी वेरी गुड। पति का पति का पत्नी। ठीक इसी प्रकार से कुछ शब्द और है। चूहा चूहा का बनेगा चूहिया। क्या बनेगा? चूहिया। भाई का सुनार का सुनारिन। सेठ का सेठानी। जेठानी। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से हम लोग। हाँ फिर एक चीज और है बेटा, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही सेम रहते हैं पर उनमें कुछ अंतर दिया जाता है। जैसे मच्छर जो है ये शब्द ऐसा है, इसमें हम क्या करते हैं कि पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने के लिए इसमें हम मादा मच्छर या नर मच्छर का यूज करते हैं। देखिए जैसे मच्छर शब्द है, अब आप सीधे बोलते हो कोई सा भी मच्छर तो आप मच्छर ही बोलते हो ना, मच्छर बोलते हो ना, मच्छर को मच्छर ही बोलोगे। ठीक है, तितली होती है आप ये नहीं देखते हो कि क्या है क्या नहीं है, आप उसे सीधे तितली बोलते हो। तितली। ठीक है, कौवा इंग्लिश में उसको बटरफ्लाई बोलते हैं। घायल सब में एक समान ही बोले जाते हैं पर एक भी लिंग भेद होता है। हाँ बेटा मैं सुन रही हूँ, बोलिए। लिंग होता है। हाँ मैं बता रही हूँ इसमें कैसे लिंग भेद होता है। मच्छर मच्छर में हम लिंग भेद दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इसको नर मच्छर, अगर पुरुष जाति का मच्छर है उसमें हम नर मच्छर का यूज करते हैं, और अगर वही स्त्रीलिंग में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मादा मच्छर। तो इससे हमें नर लगा देने से पुल्लिंग का बोध हो जाएगा और मादा लगा देने से स्त्रीलिंग का। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बोलो बेटा मैं सुन रही हूँ। लिखना है? नहीं लिखना नहीं, अभी आप कुछ नहीं लिखोगे। बहुत खड़खड़ की आवाज आ रही है बेटा आप लोग की तरफ से, ध्यान से सुनिए। फिर यही तितली है, तितली के लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। नर तितली और मादा तितली। मादा तितली इसी प्रकार से कौवा के लिए भी नर कौवा मादा कौवा, कोयल के लिए भी नर कोयल मादा कोयल। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इनमें भेद होता है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही है बेटा? आ रही है बेटा आवाज? क्यों बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. तो ठीक है बेटा, ये थी हमारी yes, लिंग पढ़ा। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हो? जेंडर। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। परिभाषा क्या है लिंग की? yes, संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से या जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका आदमी, सुनार, घोड़ा, सॉरी गाय, माँ, बिल्ली और सुराही। वही पुल्लिंग
पुल्लिंग में क्या है, जिस सबसे किसी भी वस्तु के स्त्री या पुल्लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो। बेटा आप लोगों से सरसराहट बहुत आ रही है आप लोगों की तरफ से, ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पुल्लिंग में बेटा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे कि कौवा, आदमी, सुनार, जूता, ठीक है। वहीं स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो, तो उसे स्त्रीलिंग बोलेंगे। जैसे माँ, गाय, ठीक है, बिल्ली, सुराही आदि, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, मामा, मामी, बुआ, फूफा, बताए थे ना। अब आपसे कुछ शब्द मैं पूछूंगी, आप लोग उसका आंसर देंगे। लिंग बदलना है बेटा, आदित्य गुप्ता, आदित्य गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ, आदित्य गुप्ता, आदित्य, हाँ अनम्यूट कीजिए बेटा। फूफा का अगर लिंग बदलोगे तो क्या लिखोगे, लिंग बदल, हाँ बुआ, बुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट गौरव कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ गौरव। हाँ, अगर आपको मैं शब्द दूँ चूहा, चूहा पुलिंग शब्द है, आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो चूहा का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, चूहिया, चूहिया, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रज्ञान, प्रज्ञान बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, आपको मैंने सुनार शब्द दिया, अब इस सुनार शब्द ये पुल्लिंग है, आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है सुनार का, बताइए सुनार का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा। हाँ क्या बोले हो बेटा, एक बार और बोलना, बोलो बेटा प्रज्ञान, सुनार शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। बोलिए सुनारिन क्या बनेगा, सुनारिन बोलो तो। हाँ वेरी गुड, सुनारिन, वेरी गुड। नेक्स्ट अभिषेक यादव, अभिषेक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ आप बताइए, मामा शब्द पुलिंग है और इस पुलिंग से आपको स्त्रीलिंग बनाना है, मामा का स्त्रीलिंग बनाइए, मामा से स्त्रीलिंग बनाइए बेटा। मम्मी, वेरी गुड। पलक, पलक, सादिक, सादिक, सादिक बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो बेटा सादिक, सादिक, दिव्यांशु, दिव्यांशु बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो बेटा। आप बताइए बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनाओगे, बेटी क्या बनेगा, बेटी, ठीक है बेटा। टाइम आपका ओवर होने जा रहा है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और जो वर्क दिया गया उसे ध्यान से करना, बाय बाय बाय, क्लास आपकी ओवर हो